हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ टाइमिंग चेन बदलने का तरीका। वीडियो में बने रहें, वीडियो एंड तक देखें। ये देखिए, टेस्नर पूरा चिपक गया, इसलिए टाइमिंग चेन टेट नहीं हो रही है, बदलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ये आवाज़ कर रही थी दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को प्लीज़। वीडियो में बने रहें, देखते रहें दोस्तों। ये ब्लॉक गाइडर है इसका, ये सही है अभी। ये टाइमिंग चेन, ये नई वाली डायमंड के ओरिजिनल टाइमिंग चेन में डाल रहा हूँ इसमें। वीडियो बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ये ब्लॉक गाइडर है, देखिए इस तरह का से लगाया जाता है। उसके बाद इसको हल्का से दाब दीजिए, उसके बाद दूसरी उंगली से इसको सामने ला के फिर ये बोर्ड लगा देना है। अच्छे से इसको टेट कर लें दोस्तों। लाइक और शेयर ज़रूर करें प्लीज़, कमेंट करें। ये देखिए, टाइमिंग मिलाने का तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है इसकी। ये देखिए, टी का निशान है, ये इसी जगह पे होना चाहिए, इसके सामने बिल्कुल सीधे पे। ये देखिए, इसमें एक डॉट का निशान बना हुआ है गियर पे, इसको ऊपर की तरफ रखना। ये देखिए, इसी जगह पे रखना है ये। उसके बाद इसको आराम से इस तरीके से बिठा लेना है। टाइमिंग हमारी सेट हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से टाइमिंग मिलाई जाती है। उसके बाद ये 8 नंबर बोल्ट टेट कर लें अच्छे से। ये पुशरॉड है, ये स्प्रिंग है इसकी। उसके बाद ये एक बोल्ट आएगा 14 mm का, ये भी अच्छे से टाइट कर ले। उसके बाद ये 8 नंबर का बोल्ट खोल लेना है, फिर इसमें ऑयल डाल देना क्योंकि अच्छे से प्रेशर बन सके। पहले से प्रेशर बना लिया जाता है ताकि साउंड ना करे। बाद में प्रेशर बनाने से जो है कुछ समय तक ये आवाज़ करती है, कुछ मिनट तक, इसलिए तुरंत साउंड बना देती है पहले से प्रेशर देने से। बिल्कुल टाइमिंग चेन टेट हो चुकी है अच्छे से। उसके बाद ये प्लेट है, इसमें बोर्ड वगैरह लगा के लगाएं ताकि लीकेज वगैरह ना रहे इसमें। इसमें 2 पैच आएंगे, इसको बराबर से ही टेट करें, नहीं तो लीकेज की समस्या रहती है इसमें दोस्तों। ये कंप्लीट टाइट हो चुका है। ये 1-way गियर है, इसमें सेल्फ है नहीं, ख़राब है, इसलिए मैं इसकी चेन नहीं लगा रहा हूँ। पहले से नहीं थी, कस्टमर का ऑर्डर नहीं था कि इसका सेल्फ चालू करें। उसने कहा सिर्फ टाइमिंग चेन ही बदल दीजिए, इसलिए मैं टाइमिंग चेन ही बदल रहा हूँ। ये साउंड बहुत ज़्यादा कर रही थी। वीडियो में बने रहें दोस्तों, हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पैकिंग नया डाल देना है इसके अंदर, उसके बाद इसको फिट कर देना है। 8 mm के बोल्ट हैं इसमें दोस्तों, अच्छे से इसको टाइट कर लें। और ये ऑयल डाल रहा हूँ मैं अब। बाकी की बाइक कंप्लीट हो चुकी है। इसको स्टार्ट करने के बाद फिर आपको साउंड सुनाता हूँ दोस्तों, देखिए कितना अच्छा साउंड आ बनाएंगे भी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों प्लीज़। बाइक कंप्लीट हो चुकी है, लाइक ज़रूर करें।